हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन लेट्स डीबग द कोड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप ऐड टू कार्ट बटन को डिसेबल कर सकते हैं अगर सेम प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा स्टोर है जिसमें हम अलग अलग फैक्ट्री के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर फैक्ट्री ए का कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो फैक्ट्री ए का ही परचेज कर सके। सो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें जो फैक्ट्री बी है या कोई और फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को डिसेबल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ एंड उसे कार्ट में ऐड करता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम उसे ऐड करने के बाद मैं फैक्ट्री बी के प्रोडक्ट पे जाता हूँ एंड जैसे ही मैं उस प्रोडक्ट पेज पे जाऊंगा तो वहाँ ऐड टू कार्ट डिसेबल हो जाएगा। तो कैसे वर्क करता है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टोर है एंड ये जो है अलग अलग फैक्ट्री के प्रोडक्ट को सेल करती है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट पे जाता हूँ, मैं फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट पे गया हूँ, ये फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट है कुछ जहाँ पे दो बैठे हैं। फैक्ट्री ए के किसी भी प्रोडक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसे ऐड कर लिया। मैं बैक करता हूँ, जैसे मैंने बैक किया और मैं अगर फैक्ट्री बी के किसी भी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, वहां पे जाने के बाद मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट जो डिसेबल हो जाए क्योंकि फैक्ट्री बी का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पर आप आइटम को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप फैक्ट्री बी के प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं अपने कार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आप कार्ट के आइटम को डिलीट करना पड़ेगा जो कि फैक्ट्री ए का है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट जो इनेबल हो चुका है। अब मैं अगर फैक्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री का नाम लिखा है फैक्ट्री बी, अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता क्योंकि फैक्ट्री बी का प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ड में एग्जिस्ट करता है, तो मैं एक फैक्ट्री को ऐड नहीं कर सकता। तो अगर मैं फैक्ट्री ए किसी भी ए के किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊं एंड उसे ओपन करूं तो वहां पे ऐड टू कार्ट बटन जो है वो डिसेबल्ड आएगा क्योंकि मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है। यहाँ पे आपको वार्निंग भी आएगा, ऐड टू कार्ट बटन इज डिसेबल्ड बिकॉज योर कार्ड कंटेंस प्रोडक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट फैक्ट्री टू दिस वन, यू कैन ओनली सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम फैक्ट्री पर ऑर्डर। सो इस तरह की फंक्शनैलिटी जो है हम बनाने वाले हैं, कैसे वर्क करेगा वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एक डॉक्स है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का, आपको इसे रीड कर ये अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेटा फील्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं मेटा फील्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मेटा फील्ड क्रिएट करना होगा जिसमें आप ये डिफाइन करेंगे तो फैक्ट्री कौन सी है, मतलब हर प्रोडक्ट की एक फैक्ट्री होगी वो आपको मेटा फील्ड से डिफाइन करनी होगी। मैं अपने स्टोर पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे मेटा फील्ड क्रिएट करने के लिए एंड यहाँ पर एक कस्टम डेटा का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक हियर एंड प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपको ऐड डेफिनेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेटा फील्ड का नाम रखना है, ठीक है। तो इस डॉक्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने नाम रखा है सेम मैं वही रखने वाला हूँ। तो मेरे केस में मेरे मेटा फील्ड का नाम होगा ओके, सो इन आवर केस वी क्रिएट अ मेटा फील्ड प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट फैक्ट्री। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फैक्ट्री नाम का एक मेटा फील्ड है, आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, ठीक है। एंड यहाँ पर सेलेक्ट टाइप करेंगे एंड यहाँ पे सिंगल लाइन टैग सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपल है सेव कर देंगे, यहाँ में कुछ नहीं छेड़ना, बस सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर मैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं तीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री ए, प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री ए एंड प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसका नाम कुछ ऐसा रखा है मैंने। तो अगर मैं ए को ओपन करूँ तो मैं सबसे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मेटा फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ए से बिलोंग करता है फैक्ट्री, तो मैं एक इसमें इसके मेटा फील्ड के वैल्यू में ए लिखूंगा एंड सेव कर दूंगा, बैक जाऊंगा। सेकंड प्रोडक्ट ओपन करूंगा एंड इसके भी मेटा फील्ड वैल्यू में मैं ये लिख दूंगा क्योंकि ये भी फैक्ट्री ए से बिलोंग करता है ओके। सो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हर प्रोडक्ट को उनके फैक्ट्री के अकॉर्डिंग। अब ये बी से बिलोंग करता है ये जो प्रोडक्ट है, तो इसके मेटा फील्ड में हम वैल्यू डालेंगे बी एंड इसे क्या कर देंगे सेव कर देंगे ओके। सेव करने के बाद सिंपल हमें बैक जाना है, बैक जाने के बाद अब हमें असली जो कोडिंग है वो करनी है। एंड ये सब करने के बाद अब ये हमारा खत्म हो चुका है एंड हमें क्या करना है यहाँ पे प्रीव्यू स्टोर पे जाना है सिंपल। अब हम वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं हमारे पास तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए का दो, फैक्ट्री ए के दो प्रोडक्ट है एंड फैक्ट्री बी का एक प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले फैक्ट्री ए में जाते हैं। हम फैक्ट्री ए में गए एंड यहाँ पे ऐड टू कार्ड का बटन आ रहा है ओके। अगर हम फैक्ट्री ए के बटन को ऐड करते हैं कार्ट में तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताएगा कि भाई फैक्ट्री ए का प्रोडक्ट है, ठीक है ठीक है, ये फैक्ट्री ए का ऐड हो गया। बट नेक्स्ट टाइम अगर हम फैक्ट्री बी में जाते हैं तो ये जो ऐड टू कार्ड का बटन है डिसेबल हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम फैक्ट्री बी में गए यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया कि भाई ऐड टू कार्ड का बटन जो डिसेबल हो गया क्योंकि तुमने कार्ड में अपने फैक्ट्री ए का कोई प्रोडक्ट ऐड कर रखा है। तो इस तरह से जो आप इस फंक्शनलिटी को बना सकते हैं। बट अगर हम प्रोडक्ट ए में जाते हैं दूसरे वाले में तो ये इनेबल होगा क्योंकि फैक्ट्री ए का एक प्रोडक्ट ऐड है इसमें, तो आप फैक्ट्री ए के कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कार्ड में बट किसी और डिफरेंट फैक्ट्री का नहीं कर सकते। अगर आपको करना है सबसे पहले आपको फैक्ट्री बी के प्रोडक्ट को रिमूव करना होगा अपने कार्ड से, देन आपको बैक जाना होगा एंड बैक जाने के बाद आपको फिर से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट ऐड करेंगे नेक्स्ट टाइम आप उसे क्या कर सकते हैं, तो किसी दूसरे फैक्ट्री का नहीं कर सकते। सो इस तरह से फंक्शनैलिटी काम करती है।